तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लाइफ स्टाइल एसएमपी कैसे बना सकते हो पॉकेट एडिशन और जॉय एडिशन दोनों के लिए, मतलब इस तरीके की एसएमपी की दोनों प्लेयर ज्वाइन कर पाए, मोबाइल प्लेयर्स भी और पीसी प्लेयर्स भी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पहले सर्च करना है गूगल पर अटर्नोस और चले जाना है गाइस अटर्नोस की वेबसाइट के अंदर। आप लोगों का अकाउंट गाइस पहले से होना चाहिए, अकाउंट बनाने में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, मतलब आप लोगों को आते होगा या फिर आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा। तो गाइस आपको जाना है और न्यू सर्वर क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है गाइस विजार्ड एसएमपी जिसमें यार तुम लोगों को बताइए मैं खेलता हूँ, ये हमारे गेमर विजार्ड भाई की एसएमपी है। तो गाइस ये तो लाइफ स्टाइल एसएमपी नहीं है, ये सिर्फ पॉकेट एडिशन के लिए, इसमें जावा एडिशन के बंदे नहीं आ सकते, ये एक नॉर्मल एसएमपी है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे बना सकते हैं लाइफ स्टाइल एसएमपी, वो भी दोनों के लिए, पीसी प्लेयर्स और मोबाइल प्लेयर्स, मतलब पॉकेट एडिशन, जावा एडिशन, बेडरॉक एडिशन सब। तो गाइस आप लोग क्रिएट करना है जावा एडिशन रखना है। आप लोग बेडरॉक एडिशन का सर्वर बना सकते हो, लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हो तो जावा एडिशन रखना है। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को नाम वाम अपना जो भी रखना है एसएमपी का वो रख सकते हो, लेकिन मैं अभी यही रहने देने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए कोई एसएमपी नहीं बना रहा। तो गाइस आप लोग क्रिएट पर क्लिक करना है और ये एसएमपी आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन गाइस ये अभी नॉर्मल जावा एडिशन का सर्वर बना है, ना इसमें पीसी प्लेयर्स और फोन प्लेयर्स दोनों आ सकते हैं, सिर्फ पीसी प्लेयर्स आ सकते हैं और ये लाइफ स्टाइल भी नहीं है। उसके लिए गाइस तुम लोगों को जाना है सॉफ्टवेयर पर और चेंज करना है और इसमें कर देना है पेपर बकेट, जिसमें गाइस तुम लोग प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हो और तुम लोगों को पता ही होगा प्लगइन्स से क्या क्या हो सकता है। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन 1.20.4 ये जो ब्रैकेट में 446 आ रहा है इसको गाइस तुम लोगों को कर लेना है इंस्टॉल। इसके अंदर जाकर गाइस यहाँ पर क्लिक करना है और ये हो जाएगा गाइस इंस्टॉल। और इसके बाद गाइस जब ये इंस्टॉल हो जाए तुम लोगों को यहाँ पर प्लगइन्स का ऑप्शन दिख जाएगा साइड में। तो गाइस जब तुम प्लगइन्स पर जाओगे तो फिर तुम लोगों को इसमें सर्च करना है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है कि जो ओरिजिनल वाला है वही करना है, जो सा मैं कर रहा हूँ। गाइस आप लोगों को नीचे जाना है और आप लोगों को गाइस एक मिलेगा इनमें ये वाला, तो गाइस इस वाले पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग पहुंच जाओगे इसके अंदर और आप लोगों को गाइस लेटेस्ट वर्जन जो है 2.2 इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है गाइस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद गाइस तुम लोगों को सर्च करना है गीज़र एमसी पैक, गीज़र एमसी करना है सर्च। तो गाइस इस सर्च करने के बाद यहाँ पर तीन पैक दिखेंगे आपको, सबसे पहला वाले पर जाना है गीज़र एमसी। इससे क्या होता है गाइस बेडरॉक एडिशन और पॉकेट एडिशन के बंदे जावा एडिशन के सर्वर में आ सकते हैं और यही तो हमें चाहिए था गाइस। लाइफ स्टाइल लग चुका है और इसे भी इंस्टॉल कर लोगे, इसमें एक ही वर्जन दिखेगा जो लेटेस्ट वर्जन है 449। इसको गाइस इंस्टॉल करोगे तो फिर 1.20.40 से लेकर 1.20.61 तक जो बंदे हैं पॉकेट एडिशन के वो इस सर्वर में ज्वाइन हो पाएंगे। तो गाइस तुम लोगों का सर्वर बन चुका है, इसके बाद तुम लोगों को यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करना है क्योंकि पीसी में तो गाइस हमें मतलब पोर्ट नहीं चाहिए होता, बस आईपी चाहिए होता है, लेकिन फोन में हमें दोनों चाहिए होता है। लेकिन इसके बाद गाइस तुम लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये ऐड वगैरह दिखाएगा और एक्सेप्ट कर लेगा सब कुछ और ये स्टार्ट होने लगेगा। तो गाइस इसे स्टार्ट होने के बाद तुम लोग जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर पोर्ट और ये आईपी दिख जाएगा और इसको गाइस यहाँ पर तुम लोग कॉपी कर लेना है ना, इसको कॉपी करोगे गाइस इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ है ना। उसके बाद गाइस तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोग जाना है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर और जाकर गाइस इसको प्लगइन को हम मतलब जो हमने ये कॉपी कराया है आईपी और पोर्ट इसको। तो गाइस तुम लोग यहाँ पर ऐड सर्वर पर क्लिक करना है यहाँ पर सर्वर्स में आकर, और गाइस जैसे तुम लोग ऐड सर्वर पर क्लिक करोगे इसको ये सब कर देना प्रोसीड, और गाइस इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर डाल देना है आईपी एड्रेस और यहाँ पर गाइस पोर्ट भी आप लोगों को डाल देना है। गाइस पहले पोर्ट डाल देना पूरा जो पोर्ट लिखा हुआ होगा ऑलरेडी इसको हटाकर और यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देना और जो ऊपर सर्वर का नेम है उसमें आप लोग सर्वर का नेम भी डाल सकते हो और ऐसी कुछ भी डाल देना मेरी तरह। और आप लोगों को गाइस प्ले पर क्लिक करना है या फिर सेव भी कर सकते हो बाद में खेलना है अगर। तो गाइस प्ले पर क्लिक करोगे तो फिर गाइस तुम लोग फिर पहुँच जाओगे सर्वर के अंदर। तो गाइस ये सर्वर लोड हो चुका है और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सर्वर के अंदर। देखो गाइस ये मेरे एचयूडी वगैरह ये डिसेबल कर रखा है, मतलब हाइड कर रखा है तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा। और यार मैं यहाँ पर पॉकेट एडिशन से आया और मैं आ पा रहा हूँ देखो, लेकिन ये है जावा एडिशन का सर्वर और है लाइफ स्टाइल गाइस। तो फिर तुम लोग को पता लग चुका है कि हम लोग कैसे लाइफ स्टाइल का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं दोनों के लिए, जावा एडिशन और पॉकेट एडिशन के प्लेयर्स के लिए। ये गीज़र एमसी लगाना मत भूलना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना गाइस अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस गुड बाय।